छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। जहाँ बैठे हैं यहीं से 2 किलोमीटर के बीच में अक्सर उसके लिए लोकेशन होती है। दिन में तो 80% चांस है कि उसका लोकेशन ही रहेगा। रात में वो इधर से निकलते हैं, अभी सामने से निकला है, हमारे ड्रोन में कैप्चर भी हुआ है, तो इस गांव में गया है। तो हमने इधर गांव के में जो भी हमारे लोग लगे हैं उनको हमने फ़ोन करके वहीं बैठे बैठे बोल दिया है, पटाखे जगा रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे। जी, अभी आवाज़ सुन रही थी पटाखों की। जी, तो अभी जो जब आपको पता चला कि ड्रोन के ज़रिए से कि यहाँ से कुछ ही दूर पे थे, तो क्या उनको पकड़ने का भी जो प्रयास किया जा रहा है, और क्या लग रहा है कि कितने नज़र आए इस टाइम अभी यहाँ पे? 2 नज़र आए थे, इसमें एक लंगड़ा है, हमें लगता है वो कहीं इधर उधर रहा होगा, लेकिन वो 2 थे और वहाँ तो दिखे थे यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर। तो हम लोग गए वहाँ पगमार्ग देखे, पगमार्ग भी मिला तो कन्फर्मेशन हो गया कि वो भेड़िया इधर से गुजरे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि जो मैपिंग की बात है, तो इसका इस क्षेत्र में दिन में उसका रहना होता है और फिर रात में वो शिकार, मतलब वो ह्यूमन जो है बींग ढूंढता है, खासकर बच्चे, तो वो 20-25 किलोमीटर यहाँ जा सकता है अपने शिकार के लिए। तो उसका अभी मौके पर उसकी जो दिशा थी जाने की, वो आप यहाँ जहाँ बैठे हैं हमारे पीछे साइड में गया है, तो वहाँ हमने अलर्ट किया लोगों को। बच्चों को अपने से अलग न रखें, खेत जाते समय